और चलिए इसी बीच रायपुर से एक और बड़ी खबर आपको दे देते हैं, जहां जानकारी मिल रही है आज से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया। छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर आज से नामांकन शुरू होने वाले हैं और साथ ही 5 अप्रैल को नामांकन पत्रों की होगी जांच। 8 अप्रैल को प्रत्याशी ले सकेंगे नाम वापस और 23 अप्रैल को होगा मतदान। छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण के लिए अधिसूचना जारी होगी। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता लगातार हमसे जुड़े हुए हैं, क्या जानकारी मिल रही है? छत्तीसगढ़ के जो 7 जो सीट है उसको लेकर के जो है नामांकन शुरू हो चुका है और उसको लेकर के 5 अप्रैल को जो है नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। उसके बाद जो है 8 अप्रैल को जो प्रत्याशी जो है वो नाम वापस ले सकते हैं। इसके साथ 23 अप्रैल को जो है छत्तीसगढ़ के लगभग पूरे जो 7 जो लोकसभा सीट है वहाँ पे मतदान होने हैं, जिसमें रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़ जांजगीर चांपा समेत जो 7 जो लोकसभा सीट है वहाँ पे जो है मतदान होने हैं। जी चलो धन्यवाद इस जानकारी के लिए राजेश। तो दर्शकों को एक बड़ी खबर दे रहे हैं आपको रायपुर से, जहाँ बता दें आज से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया। छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर आज से नामांकन शुरू होगा और छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण के लिए अधिसूचना जारी होगी।